यूं ही बेसुध बेखबर सा पड़ा हूं आज, कभी दरख्तों का हिजाब था मैं, खता कर बैठा तो सिर्फ इतनी कि हवाओं से इश्क में बेहिसाब था मैं, गिरा दिया गया अब सूखने लगा हूं, वरना मुसाफिर की धूप का जवाब था मैं, शाख की बेवफाई का कहर है ये, वरना इंसान इतना भी नहीं खराब था मैं। और आखिर में पता है क्या कहा इसने, बिछड़ के खुद के वजूद से खुशी मुकम्मल कहा। इसका वजूद क्या है, पेड़। Yes. के बिछड़ के खुद के वजूद से खुशी मुकम्मल कहा, बेहद उदास हूँ आज कभी तोहफा नायाब था मैं, बेहद उदास हूँ आज कभी तोहफा नायाब। वेलकम बैक टू द हसनपुरी व्लॉग्स। और अभी हम सुबह सुबह उठे थे और सुनने सर को आज टूर पे जा रहे हैं, तो उनको छोड़ने जा रहे हैं हम सुबह सुबह। तो सर आज कहाँ जाने का प्लान है, कहाँ का टूर भर दिया आपने? आज जा रहे हैं जबरदस्ती 7 दिन के लिए आईएसबीटी पालमपुर। क्या है वहाँ पे? देखो कुछ नहीं, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अच्छा, घुमाने तो ले जाते हैं ये लोग, वैसे थोड़ा सा मिल जाएगा होटल का। ये देखो कैसे अपनी टीम बुला रखी है सुबह सुबह इसे। तो भाई ये सुबह सुबह देखो इनके साथ खेल। उधर हेलो कर दो, YouTube फैमिली को हेलो कर दो, उधर हेलो कर दो। गुलशन को डर लग रहा है कुत्तों से। सर क्या हुआ सुबह सुबह कहा? सो रहे थे अच्छे आराम से। हाँ तो भाई गुलशन आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी उठ के? जा रहे हैं सर को छोड़ने। क्या करके आ रहे हैं? अपने ससुराल में खुश रहे हैं, आप आग रहे हैं। तो गाइस ये देखो अभी यहाँ पे इतने मस्त फ्लावर्स हैं यूनिवर्सिटी में, तो ये अपने फोटो सेशन के लग गए। 2 नंबर गेट से एंटर होते हैं। ये एक बुक है द वॉइस ऑफ सोल, हमारे डॉक्टर हरित सर ने, हरिदेव बैंसला। आप लोग लाइब्रेरी में है ये, और आप जाके इसको पढ़े, और काफी खूबसूरत बुक है ये, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी ये है। उनकी किरदार से एक अलग ही महक आती है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग सभी ये बुक पढ़े, बड़ी अच्छी, इसमें अच्छी अच्छी पोएम्स है। तो गाइज अभी हम यहाँ आ गए हैं खाना खाने, सुबह ब्रेकफास्ट मैं हमारा मिस हो गया। तो गाइज अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, और अभी ये देखो ब्रेकफास्ट गुलशन में हमारा था, ये करने लग गया। चलो और खाना देख, मन रुका ही नहीं यार, रोटी अभी बड़ी टेस्टी लग रही है दिखने में। मैं भी कर ही लेता हूँ ब्रेकफास्ट, चलो मिलते हैं थोड़ी देर। हाँ सर खाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो गाइज अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है यहाँ पे, और अब हम निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए वापस हॉस्टल। 1 नंबर गेट से एंट्री ले ली है यूनिवर्सिटी में, और ये देखो यूनिवर्सिटी में शायद शहीदों के लिए कुछ स्मारक बना हुआ है। 1 नंबर गेट से एंटर होते ही यहाँ पे है। कभी एक दिन आपको पूरी यूनिवर्सिटी की विजिट कराएंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं एक्टिविटी सेंटर, तो यहाँ अभी इन्होंने एक्टिविटी सेंटर में शॉपिंग कर ली है। तो अभी हम पहुँच गए हैं वापस हॉस्टल पूरी शॉपिंग करके। शत्रु हमारी वेट कर रहा होगा, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है हमारे चक्कर में। डॉक्टर साहब नमस्कार। ये गए थे कुछ फ्रूट्स लेके आए हैं, बनाना सीख रहे हैं, अगर आपको प्यार आ जाओ बना लो, मैं भी आ रहा हूँ। आप तो घर जाने की उसमें लग रहे, कपड़े धोने के लिए। अच्छा, और इसको दे देते हैं सरफ लेके आए? अच्छा। तो गाइज हम वापस हॉस्टल आ चुके हैं पूरी शॉपिंग करके, और शत्रु को देखते हैं सुबह से क्या रिएक्शन रहता है। ये वेट कर रहे हैं हमारा सुबह। अच्छा आपके लिए क्या है? देखिए ये सुबह से भूखा है बेचारा, हमें सबसे ज्यादा, हम तेरे लिए स्पेशल खाना लेके आ रहे। गाइस मैंने आपको एक चीज नहीं दिखाई, शत्रु ने शूज ले आया, और ये देखो अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट कर देना कितने मस्त लग रहे हैं शत्रु के नए शूज, पहली बार इसने ऐसे शूज खरीदे। ये अभी यहाँ पे बनाना शेक बना रहे हैं, आज सुबह से लाइट नहीं थी, अब लाइट आई है, तो अब बना रहे हैं बनाना शेक। और यहाँ पे चल रही है व्लॉग की एडिटिंग। बादाम और डाल दे थोड़े से, ज्यादा डाल दे, इतने बादाम ज्यादा हैं, 5 बादाम डाल। तो अभी हम शाम को बाहर घूमने जा रहे, और कुछ पहनना नहीं, सर्दी नहीं लग रही थी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पीजीआई, थोड़ा सा सामान देख के आना था वहाँ पे। और अभी देखो इस स्कूटी की सबसे बड़ी समस्या ये है,
इसको किक मार के स्टार्ट करनी पड़ती है बैटरी स्टार्ट करूंगा। देखते हैं शत्रु एक किक में स्टार्ट कर पाता है नहीं। बस अब मेरा नंबर, अब मेरा, अब मेरा नंबर। चलो अभी इसका नंबर ये कर पाता है नहीं। बस 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 बंद कर भाई, बंद कर भाई। भाई की बाइक चोरी हो गई। भाई क्या नंबर है आपकी बाइक का? H31M0799 इनका नंबर है बाइक का। डिलेक्स है ना, HF डिलेक्स बाइक है और ब्लैक और रेड कलर में। ठीक है भाई, ओके। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं PGI में, यहाँ कुछ सामान देख के आना था तो अभी आए हैं हम। चलो मिलते हैं। तो अभी हम आए हैं MD यूनिवर्सिटी में अंकल के साथ। अंकल को MD यूनिवर्सिटी घुमा रहे हैं। अभी हम रोज गार्डन में घूम रहे थे, क्योंकि कितना मस्त घूमते हैं यहाँ पे और बहुत ही शानदार वाइब्स आती हैं रोज गार्डन में। प्रीतम देखो अंकल को रोज गार्डन की सैर करवा रहे हैं। और यहाँ यूनिवर्सिटी के एक्टिविटी सेंटर में आए थे तो यहाँ कल ब्लड डोनेशन कैंप है तो उसके लिए यहाँ पे रंगोलियाँ बनाई जा रही हैं। डोनेट ब्लड सेव लाइफ, ब्लड डोनेशन कैंप। सो गाइस अभी मैं जा रहा था हाथ पैर धोने, बाहर से घूम के आया था। तो अभी मैं आपको एक हॉस्टल का सबसे शानदार रूम दिखाता हूँ। देखो ये है डॉक्टर हरित बैसला जी का रूम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब हमेशा पढ़ते रहते हैं, बुक्स लिखते रहते हैं। ये इनकी शायद नई बुक आ रही है कोई? ये नई बुक है आपकी कोई? अफगानिस्तान के बारे में, तालिबान ने किया अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, उनका दुख दर्द है, इसमें आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब पढ़ेंगे जरूर। और ये पत्ता क्यों रख रखा है आपने यहाँ पे? अरे बेचारा बाहर मायूस परेशान सा पड़ा था, मैं उठा के ले आया इसको। और केवल इस पत्ते को देख के मेरे अंदर जो ख्याल आ रहे हैं ना, मैं इस पत्ते की कहानी बता सकता हूँ, अगर आप पूछना चाहो तो बताऊँ क्या? हाँ जी जरूर, हम तो पूछना चाहेंगे। पता है पत्ता क्या कह रहा है? क्या कह रहा है ये पत्ता? कह रहा है कि यूं ही बेसुध बेखबर सा पड़ा हूँ आज, कभी दर खतों का हिजाब था मैं, खता कर बैठा तो सिर्फ इतनी कि हवाओं से इश्क में बेहिसाब था मैं, गिरा दिया गया अब सूखने लगा हूँ, वरना मुसाफिर की धूप का जवाब था मैं, शाख की बेवफाई का कहर है ये, वरना इंसान इतना भी नहीं खराब था मैं। और आखिर में पता है क्या कहा इसने? बिछड़ के खुद के वजूद से खुशी मुकम्मल कहा। इसका वजूद क्या है? पेड़। yes. के बिछड़ के खुद के वजूद से खुशी मुकम्मल कहा, बेहद उदास हूँ आज, कभी तोहफा नायाब था मैं, बेहद उदास हूँ आज, कभी तोहफा नायाब। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत कर रहा हूँ इसको तोहफा नायाब ही रखूँ मैं इसके टूट जाने के बाद, धोखा खाने के बाद ही। मैंने बाहर पड़ा हुआ तो मैं उठा के इसको टेबल पे रखा, एकदम मेरे अंदर ख्याल आए और दिस इज ए पोएट्री ऑन दैट लीफ। और समझना चाहिए हमें इनके दर्द को भी ना। सही बात है डॉक्टर, छोड़ के तुम भी पढ़ लिया करो। डॉक्टर साहब जरूर हम आपसे इंस्पायर होके, ये देखो कितने बुक्स वगैरह रख रखी है, इतना पढ़ते हैं यार, खुद की बुक लिखना स्टार्ट कर दिया अब तो, इतना पढ़ चुके। और हम आपको इनका रूम दिखाते हैं डॉक्टर साहब का, कितना शानदार सजा रखा है देखो इतना। और ये देखो खुद की स्मार्ट सी फोटो लगा रखी है। देख मैं जवान था, देख अब भी आप जवान ही हो। केवल शिक्षा प्राप्त करना ही हम सबका उद्देश्य नहीं है, शिक्षा प्राप्त करके अपने समाज को शिक्षित करने की जिम्मेदारी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं छोटे भाई, आप करो जो काम कर रहे हो। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब का खुद का भी एक चैनल है। डॉक्टर साहब आप बताना चाहेंगे आपके चैनल के बारे में कुछ? असल में मैं इतना ऐसे हूँ तो नहीं कि भाई कोई सब्सक्राइब करो इस तरह कह नहीं सकता, लेकिन हाँ मेरा यूट्यूब पे चैनल है डॉक्टर हरित बैसला के नाम से, और जिसपे मैंने एक मुहिम एक मिशन शुरू किया है कि हम अपने समाज को शिक्षित किस तरह कर सकते हैं, हम किस तरह ग्राम पंचायतों में सुधार कर सकते हैं, जो करप्शन हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है। और सभी मैं चाहूंगा जैसे जैसे वो चैनल आगे बढ़ेगा, जो हमारे गांव के क्षेत्र के जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए कोशिश करूंगा, वहां पर कोशिश करूंगा कि अनपढ़ आदमी भी समाज में भ्रष्टाचार को समझ सके। कोई सरपंच गलत कर रहा है तो मैं उसको बताऊंगा कि ये योजना ये पॉलिसीज होती है, जिससे वो जागरूक होकर समझ कर और अपने गांव समाज को रोशन कर सके। जब गांव मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। इस मिशन के साथ मैंने वो चैनल बनाया, हालांकि मुझ पे इस तरह से ज्यादा कहना नहीं आता कि आप सब्सक्राइब करो ये करो, लेकिन नहीं वो तो आप सब्सक्राइब हमारे चैनल के लिए कह सकते हैं और मेरे को भी कर देना, मैंने कह दिया। डॉक्टर साहब आपकी ये दो बुक इनके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? इन्फॉर्मेशन ऐसा है तो ये है, दिस इज ए बुक अबाउट अफगानिस्तान, जो तालिबान ने जो अफगानिस्तान के साथ किया, इनह्यूमैनिटी विद ह्यूमंस। अच्छा। और ये मैं हूँ, आप देख सकते हैं उस पे। बाकी
अभी जो मैं रिसेंटली बुक लिख रहा हूँ इसके बाद जम्मू कश्मीर पे लिखने का मेरा प्लान है, और एक बुक पब्लिश होने वाली बहुत जल्दी, माय जर्नी फॉर सोशल रिफॉर्म्स, जिसमें मैंने बहुत आसानी से सरकार की सारी स्कीमों को, जो सरपंच अनपढ़ है वो भी समझ सके, किस तरह से हम पढ़ के उसको और गांव का विकास कर सकते हैं इस तरह की मुहिम के साथ। बाकी ये दर्द है अफगानिस्तान का, जो अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ, वहां के पुरुषों के साथ, जिस तरह उन्हें किडनी बेचनी पड़ रही है जिंदा रहने के लिए, सून या जल्दी ऑनलाइन होने वाली है। बाकी द वॉइस ऑफ सोल जो पोएट्रिक बुक है वो ऑनलाइन आप कभी भी मंगा सकते हैं, उसको कभी भी अमेजोन से खरीद सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स है, और करो एंजॉय। गॉड ब्लेस यू भाई। और ये देख रहे हैं ऐसा रूम ना एक दिन हम भी करेंगे। नहीं, व्हेन आई लीव द हॉस्टल यू कैन टेक दिस रूम। पक्का? यस यस। हसनपुरी व्लॉग्स तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ, कब्जा तो मैंने इस रूम पे कर चुका है। देखो पहले ऑलरेडी मैंने कब्जा कर लिया इस रूम पे। बाकी यूक्रेन में, नॉट यूक्रेन, आई एम इंडिया, दिस इज इंडिया। ओके डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत, आपसे मिलकर बहुत खुशी है। मैं आ गया था, थोड़ा घूम फिर के गुलशन मिल गया, यहाँ पे फोन पे बात कर रहे हैं, अपने घर से फोन आया है, नमस्कार कर देना मेरी। और यहाँ पे ये कौन रूम पे कब, देखो कैसे कब्जा कर रखा है, सब कुछ खा पी गए रूम का, खाली कर दिया, बादाम भी खा लिए, पूरी बादाम खाली कर दी, नहीं कुछ कुछ बचे हो गए, थोड़े छोड़ दी, दो बादाम छोड़ देना, एक दो तीन, और यहाँ पे दबा के कच्चा बादाम, ये देखो कच्चे बादाम ले रहे, भिगो के खाते हैं सर। और यहाँ पे तो पापड़ सेक रहे थे, पापड़ खाएंगे। और यहाँ इसने मैगी बना दी है सर, अकेले समेटने को लग रहे हैं फटाफट, कोशिश कर रहे थे कोई ना दबा दो, उठा भाई, राजी कर दो इन्हें।